अगले 3-4 मिनट में पंडित विजय शंकर मेहता जी हमारे साथ होंगे और आप उनसे अपने लाइफ मैनेजमेंट से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू, अ वेरी गुड मॉर्निंग। बने रहिए हमारे साथ, अगले कुछ मिनट्स में पंडित विजय शंकर मेहता हमारे साथ होंगे। हमारे हनुमान गुरु जी प्रणाम आपको। पंडित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे साथ जुड़े सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू हमारे हनुमान। और गुरु जी के बारे में अगर मैं कुछ कहूंगी तो सूरज को दिया दिखाने वाली बात होगी। तो गुरुजी लाइफ मैनेजमेंट और पॉजिटिव लाइफ के व्याख्यानों के लिए देश विदेश में करीब 4,000 से ज्यादा व्याख्यान अभी तक दे चुके हैं और एजुकेशन क्वालिटी की अगर मैं बात करूं पिछले 4-5 सालों से मैं जुड़ी हुई हूँ और जीने की राह जो कॉलम आता है दैनिक भास्कर में, आप सभी उसको पढ़ते होंगे, वो कॉलम मैं बचपन से, जब मैं 13-14 साल की थी तब से मैं पढ़ती आ रही हूँ उस कॉलम को। और आई एम श्योर कि आप सब लोग भी जो मुझसे जुड़ते जा रहे हैं वो इस कॉलम को पढ़ते होंगे। इसके अलावा गुरुजी के जो व्याख्यान रहते हैं उसमें खास बात ये होती है कि बच्चे भी सुनते हैं, युवा वर्ग भी सुनता है और बुजुर्ग भी सुनते हैं जो आध्यात्मिक हो जाना चाहते हैं अब जिंदगी के उस पड़ाव में। तो गुरुजी अभी जो समय चल रहा है, अभी जो दौर चल रहा है उसमें हम सभी अपने अपने घरों में बंद हैं। लॉकडाउन का जो टाइम चल रहा है, वैश्विक महामारी ने हम सबको बंद करके रखा हुआ है, तो एक ठहराव सबकी जिंदगी में आ गया है। सब लोग परेशान हैं क्योंकि काम बंद है, फाइनेंसेस रुक गए हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो लाइफ चलाने के लिए जरूरत होती है। तो सबसे पहला सवाल तो मैं ही आपसे ये करना चाहूंगी कि कैसे इस टाइम को निकाला जाए। देखिए, ये तो बिल्कुल सही है कि वक्त बहुत विपरीत है और लोग परेशान हैं। ऐसे समय जब ऐसी स्थिति आ जाए कोई किसी की मदद करने की स्थिति में ना हो, इस पूरे दृश्य में एक दृश्य ऐसा निकल आया कोई देश चाह के भी बहुत मदद नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। ये बीमारी ऐसी है कि आपके घर का कोई सदस्य यदि कोरोना पीड़ित हो जाए तो क्या बीमारी आई है कि आप सेवा ही नहीं कर सकते जी। सबसे बड़ी सेवा होगी कि आपको उसको दूर भेजना है, पर एक बीमारी ही ऐसा वक्त होता है जब लोग निकट आके सेवा करते जी। तो इस बीमारी ने एक अजीब सी चुनौती खड़ी कर दी। मुझे ऐसा लगता है कि मामला पिछले 1-1.5 महीने से चल रहा है जी। और आने वाले 2-3 महीने तक तो चलेगा ऐसा लग रहा है, ऐसा होगा मैं नहीं बताता जी, लेकिन तैयारी ऐसी रखना चाहिए। तो समझदार आदमी को मेरे हिसाब से इस समय अपनी लाइफ को 4 पार्ट में बड़ा क्लियरली बांट लेना चाहिए जी। पहला पार्ट होगा आपकी प्रोफेशनल लाइफ, जो चाहे आप नौकरी कर रहे हो, व्यवसाय कर रहे हो और कोई सर्विस सेक्टर के हो, मान लो आप सबसे पहले अपनी प्रोफेशनल लाइफ का कैलेंडर बना लें। क्या नुकसान हो चुका है, क्या नुकसान होगा, कैसे उसको कवर अप करें, ऐसा एक प्लान। ये तो मैनेजमेंट वाले खूब दे रहे हैं आजकल, तो कर ही रहे होंगे, पर मेरा ऐसा मानना है। लेकिन मैं एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूं तो मैं जो भी बात करता हूं उसमें अध्यात्म का छींटा होना चाहिए जी। बिल्कुल, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अब वक्त आ गया है
आप कितने टैलेंटेड हो, कितने साइंस ओरिएंटेड हो, लेकिन अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अब आपको स्पिरिचुअलिटी के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि जब आप अशांत होंगे, स्ट्रेस होंगे, प्रेशर में आएंगे प्रोफेशनल लाइफ, तो अगले 3-4 मिनट में पंडित विजय शंकर मेहता जी हमारे साथ होंगे और आप उनसे अपने लाइफ मैनेजमेंट से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम टू ऑल ऑफ यू, अ वेरी गुड मॉर्निंग। बने रहिए हमारे साथ, अगले कुछ मिनट्स में पंडित विजय शंकर मेहता हमारे साथ होंगे। अभी देख लो, अभी लगा के देख लो कि 10 मिनट बाद बंद भी होता है, अपन ने सोचा उधर भी नहीं होता है, चलने का फिर हमारे हनुमान गुरु जी प्रणाम आपको। पंडित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे साथ जुड़े सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, हमारे हनुमान और गुरु जी के बारे में अगर मैं कुछ कहूंगी तो सूरज को दिया दिखाने वाली बात होगी। तो गुरु जी, लाइफ मैनेजमेंट और पॉजिटिव लाइफ के व्याख्यानों के लिए देश विदेश में करीब 4,000 से ज्यादा व्याख्यान अभी तक दे चुके हैं और एजुकेशन क्वालिटी की अगर मैं बात करूं, पिछले 4-5 सालों से मैं जुड़ी हुई हूँ और जीने की राह जो कॉलम आता है दैनिक भास्कर में, आप सभी उसको पढ़ते होंगे, वो कॉलम मैं बचपन से, मैं 13-14 साल की थी तब से मैं पढ़ती आ रही हूँ उस कॉलम को और आई एम श्योर कि आप सब लोग भी जो मुझसे जुड़ते जा रहे हैं वो इस कॉलम को पढ़ते होंगे। इसके अलावा गुरु जी के जो व्याख्यान रहते हैं उसमें खास बात ये होती है कि बच्चे भी सुनते हैं, युवा वर्ग भी सुनता है और बुजुर्ग भी सुनते हैं जो आध्यात्मिक हो जाना चाहते हैं अब जिंदगी के उस पड़ाव में। तो गुरु जी, अभी जो समय चल रहा है, अभी जो दौर चल रहा है, उसमें हम सभी अपने अपने घरों में बंद हैं, लॉकडाउन का जो टाइम चल रहा है, वैश्विक महामारी ने हम सबको बंद करके रखा हुआ है, तो एक ठहराव सबकी जिंदगी में आ गया है। सब लोग परेशान है क्योंकि काम बंद है, फाइनेंसेस रुक गए हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो लाइफ चलाने के लिए जरूरत होती है। तो सबसे पहला सवाल तो मैं ही आपसे ये करना चाहूंगी कि कैसे इस टाइम को निकाला जाए। देखिए, ये तो बिल्कुल सही है कि वक्त बहुत विपरीत है और लोग परेशान है। ऐसे समय जब ऐसी स्थिति आ जाए कोई किसी की मदद करने की स्थिति में ना हो, इस पूरे दृश्य में एक दृश्य ऐसा निकल आए, कोई देश चाह के भी बहुत मदद नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, ये बीमारी ऐसी है कि आपके घर का कोई सदस्य यदि कोरोना पीड़ित हो जाए तो क्या बीमारी आई है कि आप सेवा ही नहीं कर सकते जी। सबसे बड़ी सेवा होगी कि आपको उसको दूर भेजना है, पर एक बीमारी ही ऐसा वक्त होता है जब लोग निकट आके सेवा करते जी। तो इस बीमारी ने एक अजीब सी चुनौती खड़ी कर दी। मुझे ऐसा लगता है कि मामला पिछले 1-1.5 महीने से चल रहा है जी और आने वाले 2-3 महीने तक तो चलेगा, ऐसा लग रहा है, ऐसा होगा मैं नहीं बताता जी, लेकिन तैयारी ऐसी रखना चाहिए।
तो समझदार आदमी को मेरे हिसाब से इस समय अपनी लाइफ को चार पार्ट में बड़ा क्लियरली बांट लेना चाहिए जी। पहला पार्ट होगा आपकी प्रोफेशनल लाइफ, जो चाहे आप नौकरी कर रहे हो, व्यवसाय कर रहे हो और कोई सर्विस सेक्टर के हो, मान लो आप सबसे पहले अपनी प्रोफेशनल लाइफ का कैलेंडर बना लें, क्या नुकसान हो चुका है, क्या नुकसान होगा, कैसे उसको कवर अप करें, ऐसा एक प्लान। ये तो मैनेजमेंट वाले खूब दे रहे हैं आजकल, तो कर ही रहे होंगे, पर मेरा ऐसा मानना है। लेकिन मैं एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूं, तो मैं जो भी बात करता हूं उसमें अध्यात्म का छींटा होना चाहिए जी। बिल्कुल, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अब वक्त आ गया, आप कितने टैलेंटेड हो, कितने साइंस ओरिएंटेड हो, लेकिन अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अब आपको स्पिरिचुअलिटी के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि जब आप अशांत होंगे, स्ट्रेस होंगे, प्रेशर में आएंगे प्रोफेशनल लाइफ में, तो उसका असर फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ और पर्सनल लाइफ पे पड़ने वाला जी। बिल्कुल, तो मुझे लगता है चेक वहीं लगा दिया जाए, वरना होगा ये कि वहां का तनाव घर लाओगे, फिर पूरा घर तनाव में आएगा जी, फिर घर के बाद आप पर्सनली जब भी खाली बैठेंगे वही प्रेशर चलेगा जी, ऐसा लगेगा जिंदगी खत्म कर ले। तो मेरी एक सलाह है, पहले तो लाइफ को सेगमेंट में बांट लो, फिर अपनी वृत्ति के अनुसार उस सेगमेंट पे काम करो। जैसे फैमिली लाइफ है तो आप देख लें कि आपकी फैमिली लाइफ कितनी बड़ी है, दो बच्चे हैं, माता पिता हैं या अकेले हैं, या पति पत्नी, और अब तक आपकी पत्नी से, आपके पति से, आपके रिश्ते जो भी थे, ध्यान रखिएगा ये वक्त बहुत बड़ी परीक्षा मांग रहा है। अब अपने रिश्तों को नई परिभाषा देने का वक्त आ गया। अगर आप बहुत लड़ने वाले पति पत्नी हो तो और अधिक न लड़के लड़ना बंद कर दो, और यदि बिना लड़ने वाले पति पत्नी हो तो लड़ाई शुरू हो सकती है, इसका भी ध्यान रखें। बच्चों का एटीट्यूड चेंज होने वाला है। इस वर्ग की पीढ़ी ने अपने आप को कभी इतना सिमटा हुआ महसूस ही नहीं किया जी। इन्होंने जब जन्म लिया तो खुला आसमान देखा है, आज पहली बार इनको बंदिश क्या होती है। अब तो माँ बाप बच्चे को शाम को न जाओ कहने से डरते हैं, अपनी मर्जी से जाने वाले बच्चे और अपनी मर्जी से घर आने वाले, इनकी भी बेचैनी ब्लास्ट होने वाली जी। और पर्सनल लाइफ जिसमें थोड़ी देर योगा करें, मेडिटेशन करें, शास्त्रों को पढ़े, भगवान का अर्थ समझे, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस दौर से अगर ऐसे चार सेगमेंट हम बना दें, हमारी सोशल लाइफ, हम क्या सोसाइटी की सेवा इस समय कर सकते हैं, तो थोड़ा प्लानिंग अगर करेंगे आप एंगेज भी हो जाएंगे, इन्वॉल्व भी हो जाएंगे जी, और बाहर जल्दी निकल आएंगे, ऐसी मेरी सलाह है जी। बिल्कुल गुरु जी, ऐसा लगता है कि जो हमने मकान बनाए थे वो अब घर हो जाना चाहते हैं। अगर हम आध्यात्मिकता की बात करें तो ये जो भी हो रहा है, ये जो सृष्टि में जो हो रहा है, ये इंसान जनित चीज नहीं है, ये कहीं सृष्टि को जो हमने दिया है वो हमें लौटा रही है। ग्लोबल वार्मिंग जैसे हम साइंटिफिक नेम अगर देते हैं कि क्रिया की प्रतिक्रिया जो होती है, तो ये प्रतिक्रिया है इस सृष्टि की, जो हमने दिया वो हमें देना चाह रही है। तो आध्यात्मिक दृष्टि से अभी सबसे ज्यादा जरूरत है स्पिरिचुअल हो जाने की। मुझे ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म का अर्थ होता है, अध्यात्म शब्द बना है अपनी आत्मा को जानना, अपनी आत्मा से निकटता। बहुत सारे लोग ये भूल गए हैं कि हम मनुष्य तीन बातों से बने हैं, शरीर, मन और आत्मा जी। तो जो लोग भूल गए हैं वो तो ज्यादा परेशान होंगे, और जिनको ये बात याद रहेगी तो वो कोशिश करेंगे कि 24 घंटे में एक बार या दो बार
आत्मा तक की यात्रा की जाए। और अगर ऐसा करते हैं तो जो बात आप कह रहे हैं थोड़ी आसान हो जाएगी, स्ट्रगल थोड़ा इजी हो जाएगा जी। तो मैं जो लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं, मैं उन सबसे आग्रह करना चाहती हूँ कि कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं गुरुजी से। अभी के दौर में अगर आप किसी कठिनाई से गुजर रहे हैं तो आप गुरुजी से यहीं पर सवाल कर सकते हैं, वो यहीं आपके जवाब देंगे इसी वक्त। और इस बीच मैं बात को आगे बढ़ाती हूँ गुरुजी, विद्यार्थियों के लिए जो समय है अभी हमारे हिंदुस्तान में और बाहर देशों की भी अगर हम बात करें, बोर्ड के एग्जाम चल रहे थे उनके और अभी कुछ लोगों के पेपर्स रह गए हैं, वो इस अदर झूल में हैं, होंगे नहीं होंगे, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ ऐसी होती है वो वैसे ही इम्बेलेंस चलते हैं, तो उन विद्यार्थियों के लिए आपका जो संदेश है वो पहुंचे। स्टूडेंट्स को एक तो ये सोच लेना चाहिए कि ये जो वक्त आया है ये उनकी परीक्षा है। एक विद्यार्थी का जीवन परीक्षा से जुड़ा हुआ है, तो जैसे आप पढ़ाई लिखाई करके परीक्षा में पास करते हैं ना, तो वो आपके सब्जेक्ट का एग्जाम होता है, ये आपकी जिंदगी की परीक्षा है, लाइफ का एग्जाम है। ये आपको थोड़ा बाद में फेस करना था, अभी जल्दी हो गया, क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट पेरेंट्स के पैट्रोनेज में पढ़ लेते हैं, एग्जाम दे आते हैं, थोड़ा टफ होता है तो मूड खराब हो जाता है, पास नहीं होते अच्छे नंबर होते तो डिप्रेशन हो, इससे ज्यादा एक स्टूडेंट को क्या है, जो फाइनल ईयर में होते हैं उनको करियर की चिंता होने लगती है और कुछ नहीं। लेकिन इन्होंने पहली बार देखा है कि जिंदगी ऐसे भी इम्तहान लेती है। माता पिता तो आजकल बच्चों को इतनी फेवरेबल कंडीशंस देते हैं पढ़ने के लिए कि मैंने तो देखा है कि जितनी देर वो बच्चा अगर सुबह 4 से 6 पढ़ता है तो उसकी माँ जगती रहती है, हर 5 मिनट में उसके घर के लोग कुछ बना बना के लाते हैं। तो इन बच्चों को ये आदत ही नहीं है कि जिंदगी में विपरीत भी कुछ होता है। अब इनको समझ में आएगा और ऐसे में इनका आत्मविश्वास बढ़ेगा जी। और वक्त मिला है, खूब वक्त मिला है, आपके दोस्तों के साथ स्पेयर करने वाला टाइम भी आपको मिल गया। एक स्टूडेंट के लिए तो गोल्डन पीरियड है ये, तो मुझे लगता है विद्यार्थियों को तो जम के पढ़ लेना चाहिए। मैं कल किसी एक विद्यार्थी से कह रहा था कि तुम किस क्लास में हो, तो उसने कहा फर्स्ट ईयर में। मैंने कहा सेकंड ईयर की भी पढ़ाई अभी कर लो, इतना टाइम मिल गया, इसमें क्या परेशानी है, ये तो चैलेंज है, थोड़ा जल्दी आ गया, स्वीकार करना चाहिए। एक सवाल आया है गुरुजी, अनुराग पूछ रहे हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन योगा एंड मेडिटेशन, योगा और मेडिटेशन में क्या अंतर है? बहुत बढ़िया सवाल इन्होंने पूछा, आजकल बहुत कंफ्यूजन चल रहा है जी। अच्छा, आजकल कोरोना में सब लोग एक ही ज्ञान बांटते, योगा करो योगा करो, बहुत सारे लोग पूछते भी इसका मतलब क्या है जी। तो चलिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा, मैं उत्तर देता हूं, उसमें से अपने हिस्से का आप निकाल लेना। दरअसल एक बार शिव जी से पार्वती जी ने कुछ प्रश्न पूछे, पार्वती बड़ी इंटेलिजेंट लेडी थी और शिव तंत्र सूत्र के जानकार थे, पति पत्नी में बातचीत हुई तो बात शरीर से चली, मन को क्रॉस करते करते आत्मा तक गई और शिव जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया। इन दोनों की बातचीत पतंजलि नाम के एक ऋषि हुए, उन्होंने उसको कंपाइल किया और चूंकि वो बहुत अच्छे एडिटर थे पतंजलि, योगी थे, तो उन्होंने उसको 8 भाग में बांटा और उसका नाम योग दिया। वो जो डिस्कशन था, वो जो फिलॉसफी थी, उसको इन्होंने नाम दिया योग जी। योग मतलब चीजों को जोड़ दे, योग मतलब सब कुछ कंप्लीट, और उसके 8 चरण बनाए, 8 सेगमेंट बनाए
यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। फिर दोहरा देता हूं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। आठ में से सेवंथ स्टेप, सातवां चरण ध्यान है, मेडिटेशन। तो मेडिटेशन योग के आठ पार्ट में से एक पार्ट है। अच्छा, यम के भी पांच पार्ट है, नियम के भी पांच है। यम मतलब एक बेसिक डिसिप्लिन, नियम मोरल डिसिप्लिन। यम नियम आसन तो आप जानते ही हैं, फिजिकल एक्सरसाइज। प्राणायाम मतलब साइंस ऑफ ब्रीदिंग। तो प्राणायाम और मेडिटेशन, ये आठ में से दो बातें ऐसी हैं जिनको बाहर निकाल के आप कनेक्ट कर लें, क्योंकि बिना प्राणायाम के ध्यान नहीं हो सकता जी। तो मेडिटेशन योग का एक पार्ट है और योग आठ पार्ट में बना है। तो इसलिए जब आप आसन करते हैं वो भी योगा है, जब आप स्नान करते हैं वो भी योगा है, क्योंकि वो यम और नियम में आता है। और लास्ट में समाधि आती, ये है इसका ब्रेकअप जी। रिंकू ने भी एक सवाल पूछा कि मैं 30 मिनट से जब भी पढ़ने बैठता हूँ 30 मिनट से ज्यादा पढ़ने में मन नहीं लगा सकता, तो इसके लिए उनको क्या करना चाहिए? अगर वो उनको ऐसा लगता है कि उनका जो कंसंट्रेशन की जो लिमिट है, जो टाइम है, वो जल्दी खत्म हो जाती है, तो सभी स्टूडेंट से एक बात कहूंगा, और मेरी बात यदि उनके पेरेंट्स सुन रहे हो तो मेरी बात आगे बढ़ा दें। हमारे शरीर में दो स्वर होते हैं, ये जो हमारा राइट हैंड है ना, इसको सूर्य स्वर कहते हैं और लेफ्ट को चंद्र स्वर कहते हैं। आपका जो स्वर चलता है आपकी हैबिट वैसी हो जाती है। थोड़ा फोर्सफुल काम करना हो, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करना हो तो सूर्य स्वर चलता है। पढ़ना लिखना हो, शांति से कोई काम करना हो, चंद्र स्वर चलता है। एक स्टूडेंट को पढ़ने के पहले ऐसे अपनी एक नाक के छिद्र को ऐसे बंद करना है मुंह से, और लेफ्ट से गहरी सांस लो और गहरी सांस लेफ्ट से वापस छोड़ना है। मुझे देख सकते हैं? करीब 10-12 बार, 15-20 बार फिर इसको करें, और जैसे ये दोनों चक्र आपके खुले बैलेंस हुए, आप लंबे टाइम फुल कंसंट्रेशन से पढ़ सकेंगे। करके देखिएगा, फर्क पड़ेगा। गुरु जी, सुनील है, उन्होंने सवाल पूछा है कि एस्ट्रल ट्रेवल के बारे में कुछ जानकारी है, वो कुछ जानना चाहते हैं। क्या ये युक्ति कभी आपने सुनी है, एस्ट्रल ट्रेवल? मैं तो कभी बहुत पहले सुनी और बहुत दिनों बाद सुन रहा हूँ। तो एस्ट्रल ट्रेवल का अगर वो उनके हिसाब से कुछ और थोड़ा डिटेल कर दे तो मैं उस पर प्रकाश डाल पाऊँ। सुनील, अगर आप हमारी बात सुन रहे हैं तो आप अपनी बात को थोड़ा सा विस्तृत विस्तार में यहाँ पर लिखें, जिससे हम उस पर और बात कर पाएंगे। गुरु जी, जो अभी का दौर है, क्योंकि लाइफ में इतना बॉन्डिंग कभी हमने देखा नहीं, हमारी जनरेशन ने भी नहीं देखा, और हमसे पहले जो पीढ़ी जो चल रही है, अभी जो बुजुर्ग लोग हैं, उन्होंने भी ये दौर नहीं देखा है। ये जो दौर है ना, भूतों ना भविष्यति वाला दौर है, शायद एक बंदिश हो गई है। जो लोग बहुत ट्रैवल करते थे वो भी घर में बंद हो गए हैं, तो एक डिप्रेशन की सी सिचुएशन है लोगों की लाइफ में। जो लोग फाइनेंशियल स्टेब्लिश है उन लोगों की लाइफ में भी, तो उस पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए। देखिए, ये तो डिप्रेशन तो जब भी चलती जिंदगी में यू टर्न आ जाता है तो अच्छे अच्छों को आ जाता। अच्छा, ये जो कोई बाहर बहुत खुश भी नहीं थे, खुश रहने के रास्ते निकाल लेते थे, बाकी तो माथा तब भी कूटते थे जब घर के बाहर धंधा पानी करते थे, और अभी भी कूट रहे। पहली चीज ये है कि अपने घर में इन दिनों रहने को बंदिश न माने, समझौता न माने, मजबूरी न माने। एक बीमारी आई है उसका यही इलाज है। किसी को डायबिटीज हो जाए तो डॉक्टर कहता है मीठा खाना छोड़ दो। अब आपकी शर्त ही जब मीठा खाना है तो आप मीठे खाने को लेकर अगर परेशान होंगे तो डिप्रेशन में आ जाएंगे। सॉरी, हरिओम। तो मैं एक निवेदन करूंगा
अपना माइंडसेट पहले ऐसा बना कि घर में रहना मजबूरी नहीं, बहुत घूमे। कई लोगों ने तो घर को धर्मशाला बना दिया। आज आपको कीमत पता लगी आपकी खुद की और अपने लोगों, तो बेचैन क्यों हो रहे? धन्यवाद दीजिए कुदरत को, एक नया दृश्य जिंदगी का दिखाया। मैं तो लोगों से जब से मिल रहा हूं एक ही बात बोल रहा हूं, क्या संकल्प लिया आपने घर में रहते हुए? एक संकल्प लो कि घर में रहते हुए हमेशा घर के जितने मेंबर हैं उनसे ब्याज सहित मुस्कुराएंगे। अब जरा मेरा शब्द पकड़ना, ब्याज सहित मुस्कुराएंगे। आप कहेंगे इसमें ब्याज की क्या बात? अरे आपने मूल ही नहीं दिया प्रसन्न रहने का और मुस्कुराने का। जब जिंदगी बीती सूमड़े की तरह घर से निकलते थे, मुंह फुलाए घर में लौट आते थे, आधे टाइम मोबाइल चलता था, पत्नी पति बच्चे मां बाप सबकी नहीं कह रहा हूं ज्यादा सब, तो अभी खूब मुस्कुराओ। एक तो क्या है, हम अभी बहुत दिनों से ये टेलीफोन के माध्यम से लोगों से बात कर रहे हैं जी। अब इसमें क्या है, जो आदमी की छवि है वो साफ नहीं दिखती, कभी चेहरा मोटा दिखता है कभी पतला दिखता है, तो पता ही नहीं लगता आदमी खुश है कि रो रहा है। तो मैं तो जितने लोगों को देखता हूं सब दुखी दिखते, या खुश रहिए खुश रखिए। कुदरत ने मौका दिया है डिप्रेशन से बाहर निकलने की, पहली शर्त स्वीकार करो तो आगे बात हो। लोग सवाल तो पूछते हैं पर शर्त नहीं मानते, तो मेरी एक शर्त है, पहले जिन्हें डिप्रेशन से बाहर निकलना हो, जिन्हें अशांति से दूर जाना हो, वो पहली शर्त स्वीकार करें, आपके अलावा न तो कोई आपको अशांत कर सकता है और आपके अलावा न कोई आपको शांत कर सकता है। पहली शर्त मान लो, घर जन्नत हो जाएगा। बताइए। एक सवाल है, सागर पूछ रहे हैं कि योगा करने का सही टाइम, सब लोग यही कहते हैं कि सुबह सुबह किया जाए, ये इस पर आप थोड़ा सा बताइए कि सुबह दोपहर शाम कब हम योगा कर सकते हैं? देखो भैया, ये एक आदर्श स्थिति है कि योगा सुबह किया जाए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहते हैं सूर्योदय के साथ उठ जाना चाहिए। जब सूरज उगता है तो इतनी पॉजिटिविटी पूरी प्रकृति में होती है, उस समय जब आप योगा करते हैं तो वो जो कॉस्मिक एनर्जी है और वो जो आपकी लाइफ एनर्जी है वो ठीक से कनेक्ट हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि ये जो कमबख्त नींद है ना, ये सुबह ही बड़ी प्यारी है। बड़े बड़े जो रात को संकल्प लेके सोते हैं, सुबह तो उठेंगे ही सही, सुबह तो योगा करेंगे, पता नहीं सुबह क्या होता है, नशा चल जाता है। इसलिए अच्छी बात तो यह है कि सुबह करें, लेकिन न कर सके तो एक फार्मूला अपना लें। यदि आपको प्राणायाम मेडिटेशन करना है तो आधे से एक घंटे का गैप अपने पेट को खाली रखने का, और यदि आसन करना है तो 2 से 3। अब इसके लिए तो आप चाहे तो 12 बजे लंच ले लें, तो 4 बजे आसन कर लेना, हमारी तरफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छी बात तो यह है कि सुबह करना, सुबह सबसे बढ़िया। ना कर सके तो ये फॉर्मूला अपना ले और फिर कर लीजिए। गुरु जी, एक सवाल आया है मेरे पास, किसी स्टूडेंट ने किया है कि स्टूडेंट घर में रहते हैं तो उन्हें फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने में प्रॉब्लम होती है। जैसा आपने बोला कि बच्चे आजकल घर में रहते ही नहीं थे, शाम होती दिन में कॉलेज रहते हैं और शाम को अपने दोस्तों के साथ अपना समय व्यतीत करते हैं, तो जो फैमिली में उसको उनका पूछना है, मिसअंडरस्टैंडिंग उसको वो नाम दे रहे हैं कि घर के लोगों से उनको सामंजस्य बिठाने में उसको मिसअंडरस्टैंडिंग कह रहे हैं, तो युवा वर्ग के लिए थोड़ा सा सरल तौर पे हम उनको कैसे ये बात समझाएं कि परिवार के साथ कैसे रहा जाए? हालांकि ये विषय आपका विस्तृत विषय है,
परिवार बचाने की आप बात करते हैं और मैं आपको बहुत स्ट्रांगली फॉलो करती हूँ, तो बच्चों के साथ ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि उन्हें 24 घंटे घर में रहना पड़ रहा है। देखिए इसमें क्या है कि जो बच्चों को समझा रहे हैं ना, हमें उन पर काम करना। आपने एक प्रश्न पूछा बच्चों को कैसे समझाएं, तो निश्चित रूप से बच्चों को समझाने का काम माँ बाप कर रहे होंगे। माँ बाप खुद ही निगेटिव है भीतर से, तो बच्चों से पॉजिटिव की उम्मीद छोड़ दें। होमवर्क करिए पहले, तब एग्जाम में जाइए। बच्चों को समझाना एक परीक्षा है और उस परीक्षा की तैयारी माँ बाप बिल्कुल नहीं करते। बिना तैयारी के बच्चे के सामने उतर जाते, 2-4-10 आदर्श वाक्य उनको ठोक देते, ऐसा करो वैसा नहीं करो, ये नहीं चल पाएगा। एक अच्छा स्टूडेंट होमवर्क करता है फिर एग्जाम देता है। माँ बाप का क्या होमवर्क है बच्चों से बात करने का? कभी आप माँ बाप के रूप में अगर कोई मेरी बात सुन रहे हो, तो आपने कभी अपना लेवल चेक किया है पॉजिटिविटी का? एक पेरेंट जो हस्बैंड की है, वाइफ की है, इतनी निगेटिविटी से भरे हुए हैं और वो ट्रांसफर हो गई आपके माँ बाप होने में, और वो निगेटिव एनर्जी के साथ आप बच्चों को पॉजिटिव चीज सिखा रहे हैं, तो पहले माता पिता एक घंटा सुबह पति पत्नी दोनों बैठ जाएं आमने सामने। चलो मैं एक प्रयोग बताता हूं। मैं तो घूम फिर के हनुमान जी की बात करता हूं, मेरा जीवन हनुमान जी। अगर कोई माता पिता इन दिनों अपने बच्चों से परेशान है या बच्चों को वॉच कर रहे हैं कि बच्चे डिस्टर्ब है, वो कैसे समझाएं? आपको समझाना है तो आप तैयारी करो। जैसे मुझे ही ले लीजिए, मैं दिन भर में इतने प्रोग्राम करता हूं, तो मुझे आप लोग सब्जेक्ट देते हैं, तो मैं उस सब्जेक्ट पे पहले होमवर्क कर लेता हूं, थोड़ा सोच लेता हूं। आपका सब्जेक्ट ये कि आपको अपने बच्चे को, अपने बेटे को, बेटी को समझाना है, तो आपने कोई होमवर्क किया? नॉलेज का नहीं बोल रहा हूं, फीलिंग्स का बोल रहा हूं। नॉलेज तो माँ बाप को बहुत है, बिल गेट्स की कथा सुना देते हैं, कभी विवेकानंद की कथा सुनाते हैं, उससे काम नहीं चलेगा। बच्चों को जो आप ट्रांसफर कर रहे हैं वाइब्रेशन वेव, वो पॉजिटिव करिए। तो यदि पेरेंट्स एक घंटे, आधा घंटे दोनों पति पत्नी 11 बार हनुमान चालीसा आमने सामने बैठ के कर ले, और उसके बाद दोनों बच्चों के साथ बैठ जाएं, जादू हो जाएगा। जादू इसको हनुमान जी की कृपा कहो, चमत्कार कहो, दया कहो, उनकी मौजूदगी कहो, पर आप फर्क पाए। और नहीं तो फिर ऐसे समझाते रहो, लड़ते रहो, फिर कुछ नहीं होने वाला। नहीं, बहुत सुंदर बात। एक परम शक्ति जो होती है, हम हनुमान जी की बात करते हैं, जो भी जिसको मानता है, जो इष्ट है, लेकिन वो परम शक्ति जरूर हमारी मदद करती है, उससे हम जुड़ सकते हैं इस माध्यम से। गुरुजी आपने अभी एक बात कही कि अपनी पॉजिटिवनेस को कैलकुलेट हम करें, वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम अपनी पॉजिटिविटी को? हालांकि फीलिंग्स होती हैं, हम उसको पहचान सकते हैं, लेकिन हर एक नहीं पहचान सकता। एक कॉमन मैन के तौर पे उस पॉजिटिविटी का कैलकुलेशन हम कैसे करें? 2-3 चीजों से होता है। आपको नींद अच्छी आना चाहिए, अच्छी, ज्यादा नहीं। कई पराक्रमी तो 8-10 घंटे सोते हैं और उठने के बाद बोलते हैं आज तो नींद ही नहीं आई, तो पड़े पड़े कर क्या रहे। साउंड स्लीप वो 4 घंटे की भी हो सकती है। यदि आपको नींद अच्छी आ रही साउंड से, आपकी एनर्जी पॉजिटिव। दूसरा, भोजन करते समय आपका अगर कंट्रोल है कि मुझे आज एक रोटी ही खाना है, तो भले ही दूसरा हिलाए सामने आप मना करो, तो आप पॉजिटिव। नेगेटिव एनर्जी आपको अधिक खाने के लिए भी प्रेरित करती। तीसरा, आपके मन में गंदे और गलत विचार यदि कम आ रहे हैं, तो पॉजिटिव एनर्जी। बाहर दूसरों को पता नहीं लगता, आप दूसरों के साथ बैठे हो तो इतनी अच्छी बात कर रहे हैं कि लोगों को लगता है कितने चरित्रवान, शालीन, कुलीन है, लेकिन हर टाइम कभी सेक्स की बात दिख रही है, कभी कोई गलत चीज चल रही है,
आप समझिए एनर्जी पॉजिटिव है। ये तीसरी बात, नींद, भोजन, विचार, और चौथा फॉर्मूला है आपके आसपास जो भी लोग बैठे हो वो खुश होना चाहिए आपको देख के, आपसे बात, चापलूसी नहीं, उनको फील होना चाहिए, होगा। इन चार बातों से आपको पता लग जाएगा कि मेरा एनर्जी लेवल पॉजिटिव है या नेगेटिव। जी, याद करके देखा जाए। बिल्कुल, बहुत सुंदर तरीके से हम अपने आप को कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना पॉजिटिवनेस हम लेकर जीवन में चल रहे हैं। और अभी जो दौर है हम देख रहे हैं कि सिर्फ मोबाइल फोन के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से हम एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं और एक दूसरे को जो दिलासा दे पा रहे हैं अभी के दौर में कि हाँ ये वक्त है, ये गुजर जाएगा। तो आपकी आपकी जो कथाएं हैं, आपकी राम कथा है, भागवत कथा है, वो भी हम फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से ऑनलाइन चाहते हैं कि आप आए और दिन में आधा घंटा या एक घंटा या जितना समय हमको इजाजत दे, हम उसके माध्यम से ये पॉजिटिविटी को फैलाएं। इन कथाओं में हम एक नए वर्ग को जोड़ने की कोशिश करें, वो कैसे पॉसिबल है वो आप उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। अंशु जी, आपने हमारे दिल की बात कही है जी, और कल से मुझे कई लोग ये बोल रहे हैं, क्योंकि मैं एक पंडित आदमी हूँ, कथाएं करता हूँ, दृष्टिकोण मेरा जरूर व्यवहारिक होता है, और खासतौर पे मेरा फोकस फैमिली लाइफ पे होता है। तो मैं भागवत की कथा 7 दिन की करता हूँ, 3 घंटे तो 21 घंटे हो गए, लेकिन मैं 9 घंटे की भी कथा करता हूँ भागवत। तो अभी ऐसा किया जाता है, हम सोच रहे हैं कि 1 घंटा रोज 7 दिन तक हम भागवत कथा करें, और लोगों से कहेंगे कि आप ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक पे। अब देखिए, उसके 2 पक्ष हैं, एक तो मेरा व्याख्यान होगा और एक उस ग्रंथ का मूल पाठ होता है। तो हम अपने यहां शांतम में, मैं उज्जैन में शांतम में रहता हूं जी, ये बहुत सुंदर स्थान है जी, विश्व का पहला हनुमान चालीसा का ध्यान केंद्र। तो हम एक पंडित जी से यहाँ मूल पाठ ग्रंथ, जिसको मूल ग्रंथ कहते हैं, उसका पाठ कराएंगे। सुनने वाले सीरियस रहे, उनको सचमुच कुछ मिले, तो उनसे कहेंगे भाई आप यजमान बन जाए। इनको यजमान मतलब आप ऑर्गेनाइजर बन सकते हैं जी, आपकी इच्छा हो तो आप शांतन के लिए कुछ डोनेशन दे सकते हैं, इसकी मांग नहीं है, देना नहीं देना आपकी इच्छा है, कोई जरूरी नहीं। लेकिन सुनिए, क्योंकि हमारे यहां 4 ग्रंथ ऐसे हैं, महाभारत रहना सिखाती है, गीता करना सिखाती है, रामायण जीना सिखाती है, भागवत मरना सिखाती। तो किया जा सकता है, तो हम योजना बना रहे हैं, आप लोग भी सुझाव दीजिए और बहुत जल्दी 1-2 दिन में ही कर दें, तो बड़ी संख्या में लोग सुन सकते। बिल्कुल, ऑनलाइन भागवत और भागवत कथा और रामायण की कथा से जुड़ने के लिए डिटेल्स हम गुरुजी के पेज पे, मेरे पेज पे आप सब जगह देख सकते हैं। तो जो भी सुनना चाहते हैं, जो इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं, उन सभी का बहुत स्वागत है। गुरुजी, इस बीच में 2 सवाल मेरे पास आए हैं, उसके बाद हम इस कार्यक्रम को विराम देंगे। ज्योति ने पूछा है कि नींद में सपने बहुत आते हैं और सुबह जब उठती हैं तो फ्रेश नहीं उठ पाती हैं, इसका क्या कारण है और कैसे इसका निवारण हो? स्लीपिंग डिसऑर्डर है, तो सोने के पहले 6 स्टेप्स होती है, 3 खड़े होके 3 बैठे। दैनिक भास्कर में एक बीबी स्टार करके मैगजीन आती है, लेकिन आप ऑनलाइन जा सकते हैं, उसमें आज हमने सोना कैसे इससे 6 मिनट की स्टेप्स बताई। मुझे ऐसा लगता है मैं अभी समझा नहीं पाऊंगा, तो मैं रेफर कर रहा हूं, आप उसमें से ले लीजिए और सोने के पहले वो स्टेप करेंगे तो बढ़िया नींद आए। बिल्कुल, जो एक लेख था उस लेख को हम आपसे शेयर कर देंगे, आप उसे पढ़ सकती हैं और वहां से आप ये जानकारी ले सकती हैं। हम अपने लक्ष्य के प्रति कैसे अडिग रहे, रिंकू ने ये पूछा है। देखिए, लक्ष्य के प्रति अडिग रहने में बाधा मन है, जिसको अंग्रेजी में माइंड कहते हैं।
तो माइंड फ्लक्चुएट होता है, आपको भटकाता है, तो आप थोड़ा समय रोज 15 मिनट 20 मिनट अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए, और उसके लिए मेडिटेशन ही एक रास्ता है। जितना मेडिटेशन करेंगे उतनी क्लैरिटी आएगी। रुक्मन लदा जी पूछ रही हैं कि नेगेटिव लोगों को भी देखा है जो बहुत अच्छी नींद लेते हैं, और जो चापलूस होते हैं वो कहाँ मानते हैं कि हम चापलूसी करते हैं, वो ऐसा स्वीकार नहीं करते, दुविधा में क्या फर्क पड़ता है। मैं जो भी बहन जी प्रश्न पूछ रही हूँ उनसे एक बात कहना चाहूंगा कि जब हम पॉजिटिव की ढूंढ में निकले हैं तो हमको इस तरह के नेगेटिव लोगों पे ध्यान ही नहीं देना चाहिए। अपने को अच्छी नींद आए, और चापलूस लोग अगर आपकी चापलूसी करें तो हमारा विवेक अगर जागा हुआ है तो हम उसकी चापलूसी को समझ लें, और नहीं तो उसकी चापलूसी हमारे भीतर अहंकार पैदा करे। तो अपना विवेक जागृत रखिए, बाकी संसार को चलने दीजिए। कभी कभी चापलूसी भी ऑक्सीजन का काम करती है। देखो चापलूसी का मैं विरोध नहीं करता, गन्ने के रस से भी मीठी होती है जब कोई चापलूसी में तारीफ करता। कभी कभी ये भी मीठा पी लेना चाहिए, बस अहंकार की डकार ना, ये ध्यान। गुरु जी प्रार्थना, योगा मेडिटेशन हमने जाना, प्रार्थना की शक्ति के बारे में आप प्रकाश डालिए थोड़ा सा। देखिए भगवान से बातचीत करने में सबकी अपनी अपनी एक रिदम होती, उस रिदम को प्रार्थना करते। तो मुझे ऐसा लगता है हर इंसान को 24 घंटे में एक बार प्रार्थना करना चाहिए। अब आपके मन में आएगा कौन सी प्रार्थना करे, तो हमारे तुलसीदास जी ने बहुत बढ़िया प्रयोग किया। वो केवल तुलसी ही कर सकते थे। मंत्र अलग होती, प्रार्थना अलग होती, प्रार्थना की शब्द सरल भी होती, मंत्रों में भी प्रार्थना होती, संस्कृत में भी प्रार्थना होती। हनुमान चालीसा एक ऐसा साहित्य है जो मंत्र भी है, प्रार्थना भी है, अपने आप में शास्त्र है। मुझे लगता है हनुमान चालीसा पढ़ लिया करो, प्रार्थना मतलब सीधी बातचीत आपकी हो जाएगी भगवान। बिल्कुल गुरु जी, सवाल हमारे पास बहुत आ रहे हैं लेकिन समय का अभाव है, तो इस सत्र को हम आने वाले टाइम में हम फिर से इसको आगे बढ़ाएंगे। जो सवाल रह गए हैं, जो लोग नए जुड़े हैं वो फिर से सवाल लेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय निकालकर हमारे सवालों के जवाब दिए, और लोगों में जो आप एक पॉजिटिव वाइब्रेशन इंटरनेट के माध्यम से, क्योंकि हम तकनीक को इस्तेमाल कर रहे हैं, उस माध्यम से जो आप बात कर रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और बहुत धन्यवाद। प्रणाम हमारे हनुमान। कल्याण अंशु जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके माध्यम से सबसे बात हो रही है, और आप अपनी अपनी भावनाओं का, अपनी योग्यताओं का बहुत अच्छा उपयोग कर रहे हैं। सब लोग ऐसा ही करते रहे, मैं तो आपके साथ हूँ। जब याद करेंगे तब आप लोगों के लिए आ जाऊंगा। हमारे हनुमान, हमारे हनुमान, हमारे हनुमान।